जय श्यामला जी, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात राज्य के साबरकांठा ज़िले में। हाँ जी दोस्तों, गुजरात राज्य के साबरकांठा ज़िला, और हम जहाँ पे हैं वो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे रोड, उदयपुर से 130 किलोमीटर एक गाँव है श्यामला जी। हाँ जी दोस्तों, मैंने पहले ही जय श्यामला जी बोल लिया। तो श्यामला जी जो गांव है दुर्गेश भाई, यह गांव इसी मंदिर के भगवान श्यामला जी के नाम पर बसा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं दुर्गेश भाई मंदिर, ये करीबन यहाँ के लोग कहते हैं कि 2000 साल पुराना मंदिर है। और इतना पुराना मंदिर है कि कहीं पर भी इसका इतिहास इस प्रकार नहीं लिखा गया है कि पक्का हो कि ये मंदिर किसने बनवाया क्या नहीं। दोस्तों शंका है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और कोई शिलालेख अभी तक मिला नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बता दूं कि श्यामला जी गाँव जो है उदयपुर से 130 किलोमीटर दूर अहमदाबाद हाईवे रोड पर है। और दुर्गेश भाई बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर दुर्गेश भाई कार्तिक माह में, बोले तो दिसंबर, देव दिवाली कहते हैं। तो दुर्गेश भाई, दिवाली से 15 दिन बाद एक दिवाली आती है, विशेषकर गुजराती लोग उसे देव दिवाली कहते हैं, मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। तो कार्तिक माह लगभग नवंबर दिसंबर, क्योंकि नवंबर दिसंबर मैंने इसलिए बताया दुर्गेश भाई, क्योंकि दिवाली जो है कभी नवंबर में आ जाती है, कभी स्टार्टिंग में, कभी एंड में। तो नवंबर दिसंबर में जब कार्तिक की देव दिवाली आती है, उस टाइम यहाँ बहुत बड़ा मेला पड़ता है दुर्गेश भाई, बहुत भीड़ होती है। तो बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों, बहुत पुराना मंदिर है, और दर्शन करने अभी 2:15 बजे खुलेगा ये मंदिर। और विशेष रूप यहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से अंदर कैमरे वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, और बाहर से हम देख सकते हैं मंदिर को। लोकेशन मैंने आपको बता दी है दुर्गेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल हरीश भाई, बिल्कुल। और तो दोस्तों, हरीश भाई ने अभी बताया मंदिर के बारे में। बिल्कुल दुर्गेश, ये देखिए यहाँ मेला लगता है देव दिवाली जो दीपावली के 15 दिन बाद में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 14 सप्तम को भरा जाता है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, बिल्कुल सही कहा। तो आप देखिए यहाँ बहुत अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है। और दुर्गेश भाई क्या है, मैं आपको बताऊँ जी, चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला चारों तरफ है, ठीक है, पूरी आप देख रहे हैं पूरी। और ये जो मंदिर है वो एक पहाड़ियों के बीच से सेंटर में इतना मस्त लोकेशन से बनाने वालों ने इसे बहुत सोच समझ कर चूज किया था दुर्गेश भाई। वीडिया देखो दुर्गेश भाई, अंदर लगी है, बहुत पुराना है, चलते हैं अंदर। हरीश भाई, ये जो सभ्यता वो खजुरा वाली है ना, उससे भी ये ज़्यादा पुराना है। जी हाँ, अभी वो दिख रही है, वो इसमें सभ्यता का थोड़ा कम असर आ रहा है। तो दुर्गेश भाई ये थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखाते हैं सभ्यताएँ। दुर्गेश भाई जी हाँ, हरीश भाई देखिए आप, सकते आप बहुत पुराना मंदिर है। ये इस साइड है मेन गेट दुर्गेश भाई। हरीश भाई मुख्य गेट अभी बंद है, हरीश भाई देख सकते हैं आप इसमें। ये सीढ़ी है दुर्गेश भाई, ये मेरे हिसाब से ध्वजा के लिए। ये हरीश भाई थोड़ी बहुत इसमें देखिए, मैंने कहा ना खजुरा वाली, ये देखिए ये पद्धति, ये आपको वही मिलेगी, ये देखिए ये प्रणाली है ना, वही है। और बाकी सब देखिए अलग है थोड़ी बहुत, ये जो पद्धति है ये ऊपर वाली थोड़ी तो मिलती जुलती है, इसका मतलब इससे भी पुराना है ये देखिए। बहुत बहुत पुराना है दुर्गेश भाई, खजुराला वाली शायद मेल, आप कह रहे हैं मेल खाती है। नहीं तो हरीश भाई जैसे वही तो होता था पहले, क्या होता था हरीश भाई, जैसे अब कोई पद्धति होती है कोई चित्रकारी, जैसे आज के ज़माने में हम करते हैं, तो आज उससे 100 साल बाद में भी ये जो खुदाई होगी, तो मतलब उसमें जो कलाकृति होगी तो अपने जो अभी की जो कलाकृति है उसका असर आएगा उसमें। बिल्कुल दुर्गेश भाई, इस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है देखो ब्रह्माणी, और ये जो मूर्तियां हैं दुर्गेश भाई, ये हरीश भाई ये देखिए चूड़ीदार बनाया हुआ ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो आप बनाया हुआ है ये चूड़ीदार बनाया हुआ है। और ये मुझे लगता है दुर्गेश भाई उस बहुत पुराने टाइम का, ये जो आप देख रहे हो आदिवासी टाइम का दुर्गेश भाई। यहाँ देखिए इनके थोड़े
जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। दुर्गेश भाई थोड़ा इस टाइम में तो वैसी कलाकृतियाँ नहीं करते हैं, थोड़ा बुरा माना जाता है। दुर्गेश भाई इस साइड भी देखिए आप, ये भैरव भैरवी, ये भैरवी भैरवी काल भैरवी, ये दुर्गेश भाई भैरवी की मूर्ति है। देखिए आप नीचे लिखा हुआ भी है, ये भैरव है दुर्गेश भाई, भैरव भैरवी। इन्हों को एक पास पास का रहा है, ये वैष्णवी दुर्गेश भाई यमी दुर्गेश भाई। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ मैं आपको बता दूँ, बहुत कम 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 ये आज बहुत पुराने बिल्कुल दुर्गेश भाई। अभी मैं मान रहा हूँ इस बार जो कह रहे हैं लोग वो सही कह रहे हैं, ये 2000 सालों से भी, और 2000 से तो लोग जानते हैं, और ना जाने दुर्गेश भाई इससे पता नहीं कितना पुराना हो। ये आप शैली देख रहे हैं दुर्गेश भाई की, ये आज के टाइम में दुर्गेश भाई नहीं मिलती ऐसी शैलियाँ। ये देखिए बहुत पुरानी संस्कृतियाँ हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और भी मजा आने वाला है, और भी आपको ज्ञान की बातें मिलेगी। अग्नि पत्नी दुर्गेश भाई आपने मेरे हिसाब से तो लगभग नहीं सुना, नहीं सुना होगा। बिल्कुल सर, तो बहुत ये दुर्गेश भाई काफी पुरानी शैली, बहुत बिल्कुल ये वो यहाँ आप देख रहे हो दुर्गेश भाई, सबसे जो पुरानी पुरानी है प्रवृत्तियाँ वो नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो गणेश जी की आपको मैं आप मिली, देखिए दुर्गेश भाई वो अग्नि देवी और इस अग्नि देवी में फर्क नजर आ रहा है। देखिए इसमें दाढ़ी वाड़ी, दुर्गेश भाई अग्नि देव है ये, सॉरी अग्नि देव है वो, अग्नि देवी थी ये, अग्नि देव है, और ये वैष्णवी वापिस इंद्राणी। दुर्गेश भाई इस समय में जो रहे होंगे ना वो बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश भाई दिखाइए अपने दोस्तों को, ये संस्कृतियां हैं और इसमें ज़्यादा इतना बुरा मानने वाली नहीं है, ये संस्कृतियां हैं दुर्गेश भाई और कुछ नहीं। तो ज़रूर संस्कृतियाँ देखनी ही चाहिए, आप देख सकते हो इंद्र, ये इंद्र, ये इंद्राणी, ये इंद्र की पत्नी है दुर्गेश भाई, इंद्राणी, ये इंद्र, ये इंद्राणी जी हरीश भाई। उस समय ये क्या हुआ है देखिए, और ऊपर देखिए हरीश भाई, ऊपर आपने तभी तक देखा ही नहीं। वाह दुर्गेश भाई बहुत पुराना मंदिर है दुर्गेश भाई ये। हरीश भाई मैंने तो इतना पुराना पहली बार देखा है मंदिर, बिल्कुल दुर्गेश भाई बहुत पुराना मंदिर है। दुर्गेश भाई ये स्वर्ग लोक के इंद्रदेव आ गए ना थोड़ी। दुर्गेश भाई इसका मुंह ये उल्टा क्यों है, कोई रीजन होगा मेरे हिसाब से, अब क्या पता, ये वो है कलश वाला। दुर्गेश भाई पर आप देख सकते हो यहाँ से इसका मुंह उल्टा है, और मुझे लगता है दुर्गेश भाई अगर दोस्तों ने हमारा इसी प्रकार साथ दिया तो हम ये पूरी शैलियां पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। आप देख सकते हो दुर्गेश भाई इसका उल्टा है मुंह, नीचे हाथी, इस साइड से देखो आप। जी हाँ बिल्कुल, वाह गजब पुरानी हरीश भाई, बिल्कुल दुर्गेश भाई ऐसे ऐसे चित्रकारी ऐसे ऐसे इसमें दर्शाए गए हरीश भाई, अभी तक मैंने तो देखे ही नहीं है। मेरे को पुरानी जो चीज़ें हैं मूर्तियाँ उनका देखने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखी। दुर्गेश भाई बहुत पुरानी है, ऊपर देखिए आप दुर्गेश भाई लाजवाब नज़ारा। दुर्गेश भाई आप सोचो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। शानदार है दुर्गेश भाई लाजवाब, मजा आ गया। जय श्यामला जी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताना है। जी हाँ हरीश भाई एक और चीज़ अभी तक बतानी बाकी है, आप भूल गए लग रहा है। जी हाँ मंदिर और भी है ना साथ में, वो देखिए वो भी पुराना है, लेकिन हरीश भाई इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तो हरीश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को? मैं
इस कलश के बारे में कहना चाहूँगा दुर्गेश भाई, ये अंदर से आता होगा मंदिर का पानी, अंदर से आता है जैसा, बिल्कुल ये अंदर से आ रहा है और काफ़ी इस साइड से काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा टूट गया दुर्गेश भाई देखिए आप, बहुत पुरानी है ना सभ्यता। तो दुर्गेश भाई वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हमें विराम देने का समय आ गया है, तो दुर्गेश भाई अपने दोस्तों को ज़रूर पूछिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ सही कहा हरीश भाई, दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों हम बहुत सफल मुश्किल से कर करके आते हैं, आप देख सकते हो हमारी आंखें सूजी हुई है। जी हाँ हरीश भाई, हरीश भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है और इसे आगे बढ़ाना है हमें, तो हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हर बार हरीश भाई कहता हूँ वीडियो शेयर कर लीजिए, लेकिन इस वीडियो को मैं स्पेशली कहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये संस्कृति बहुत पुरानी है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारी संस्कृति बहुत आगे बढ़े और दूर तक हमारे साथ दे। तो हरीश भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप ऐसे वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे दुर्गेश जी ने कहा, क्योंकि इस वीडियो को चूज़ करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई आज कंटिन्यू मेरे हिसाब से 900 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चला के आ रहे हैं, आंखें सूजी हुई है मेरी और दुर्गेश भाई दोनों की, फिर भी यहाँ आके इस संस्कृतियों को देख के आंखें एकदम से खुल गई है, तो आप भी शेयर कीजिएगा दोस्तों ना भूलें, और इसी के साथ हमारे वीडियो को यही विराम देंगे दोस्तों, इसी के साथ जय श्यामला जी, जय श्यामला जी।